गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 4 ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग. ओके, एंड टुडे वी विल डिस्कस इंक्लूजन कंपाउंड्स और इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस. इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्सेस एंड मेटालाइन कॉम्प्लेक्सेस. टुडे वी विल डिस्कस इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस. दीज कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्लूजन कंपाउंड्स, इन विच वन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज ट्रैप्ड इन द ओपन लैटिस और केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द अदर. इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जो कॉम्पोनेंट होता है, एक कॉम्पोनेंट दूसरे कॉम्पोनेंट में ट्रैप हो जाता है. जो एक कॉम्पोनेंट अपना केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, ओके, एंड दूसरा कॉम्पोनेंट क्या करेगा, उसी केज लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाएगा. दीज कॉम्पोनेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड गेस्ट मॉलिक्यूल. जो कॉम्पोनेंट ट्रैप हो रहा है उसे हम गेस्ट मॉलिक्यूल बोलेंगे, एंड केज लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज होस्ट मॉलिक्यूल. जो कॉम्पोनेंट अपना केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे होस्ट मॉलिक्यूल. इन दिस कॉम्प्लेक्सेस इंट्रैक्शन इज नॉट ड्यू टू केमिकल रिएक्टिविटी. इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ द फेवरेबल मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर. ठीक है, मॉलिक्यूल जो अपना केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है. द फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन आर वीकर. इस केस में जो इंट्रैक्शन फोर्सेज होगी, लिगेंड और जो आयन होगा, सेंट्रल एटम होगा, उसके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्सेज होगी वो वीकर होगी. नेक्स्ट इज जो इंक्लूजन कंपाउंड्स है वो भी फर्दर डिवाइडेड थे 4 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज चैनल लैटिस कॉम्प्लेक्सेस. तो ये एग्जांपल है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस का. अ कॉमन एग्जांपल इज स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन हुज आयोडीन इन विच आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड इन द स्पाइरल शेप ग्लूकोज. ओके, एक कॉमन एग्जांपल होगा स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन का, जिसमें आयोडीन ट्रैप हो जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर में. ओके, देन आयोडीन किसकी तरह एक्ट करेगा, आयोडीन ट्रैप हो रहा है तो आयोडीन गेस्ट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा, एंड जो ग्लूकोज होगा वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो होस्ट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, द डिऑक्सीकॉलिक एसिड क्रिस्टल्स आर अरेंज सच दैट दे फॉर्म अ चैनल फॉर इंट्रैप्टिंग द कॉम्प्लेक्सिंग मॉलिक्यूल. ओके, तो ग्लूकोज डिऑक्सीकॉलिक एसिड स्पाइरल शेप ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेता है, आर अरेंज्ड इन सच दैट दे फॉर्म अ चैनल, वो एक चैनल फॉर्म करेगा. ठीक है, फॉर इंट्रैपिंग द कॉम्प्लेक्सिंग मॉलिक्यूल. कॉम्प्लेक्सिंग मॉलिक्यूल को एंट्रैप करने के लिए वो अपने स्ट्रक्चर को उस तरह अरेंज कर लेगा. एग्जांपल देख लेते हैं. नीडल शेप क्रिस्टल ऑफ हेक्सागोनल चैनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय मिथाइल अल्फा लाइपोएट, ठीक है, विथ यूरिया मॉलिक्यूल एज द होस्ट. ओके, जो होस्ट मॉलिक्यूल है जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वो है यूरिया, और जो कि गेस्ट मॉलिक्यूल है जो एंट्रैप हो रहा है होस्ट मॉलिक्यूल में, दैट इज मिथाइल अल्फा लाइपोएट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस इज क्लैथरेट्स. ठीक है, सम सब्सटेंसेस ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स अ केज लाइक लैटिस. कुछ सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पर केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं फॉर इंट्रैपिंग द कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड. कंपाउंड को इंट्रैप करने के लिए दीज आर नोन एज क्लैथरेट्स. ओके, एग्जांपल देखें तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इन केज लाइक स्ट्रक्चर विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि आपका हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल्स है जो केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. ओके, एंड अलाउ द इंट्रैपमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जो कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा जो अलाउ करेगा एंट्रैप होने के लिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लाइक मीथेनोल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड फॉर्म क्लैथरेट्स, और क्लैथरेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज लेयर टाइप्स कॉम्प्लेक्सेस. दे फॉर्म मोनोमॉलिक्यूलर मोनोएटॉमिक लेयर्स ऑफ गेस्ट एंड होस्ट इन द अल्टरनेटिव मैनर. क्या होगा, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर्स फॉर्म होगी गेस्ट की एंड होस्ट की इन ए
ऑल्टरनेट मैनर मीन्स कि एक लेयर होगी होस्ट की, ठीक है, फिर गेस्ट की, देन दोबारा से आपकी होस्ट की लेयर होगी, देन गेस्ट की लेयर होगी. देयर यूजेज आर करंटली क्वाइट लिमिटेड, हाउएवर दीज मे बी यूजफुल फॉर कैटालिसिस, ठीक है, ड्यू टू देयर लार्जर सरफेस एरिया. इनके लार्जर सरफेस एरिया के कारण इनको कैटालिसिस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल्स कंपाउंड सच एज क्लेस, मॉन्ट मोरिलोनाइट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंटोनाइट. बेंटोनाइट का कॉन्स्टिट्यूएंट है कैन एंट्रैप हाइड्रोकार्बन एंड एल्कोहल्स एंड ग्लाइकोल्स. ओके, फिगर में आप देख सकते हो कि एक स्ट्रक्चर है जो कि कंपाउंड जैसे कि क्लेज और बेंटोनाइट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ठीक है, होस्ट मॉलिक्यूल होगा जिसमें कि एंट्रैप करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल एंड ग्लाइकोल्स की चेन क्या करेगी, एंट्रैप कर जाएगी और लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगी. ठीक है, नेक्स्ट इज मोनो मॉलिक्यूलर टाइप्स. दीज आर द इंक्लूजन कंपाउंड्स. ओके, मोनो मॉलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स इन्वॉल्व द एंट्रैपमेंट ऑफ सिंगल गेस्ट मॉलिक्यूल. ये एक ही गेस्ट मॉलिक्यूल्स को एंट्रैप करेंगे इन द कैविटी ऑफ वन होस्ट मॉलिक्यूल. मीन्स कि एक ही होस्ट मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, एंड एक ही क्या होगा, गेस्ट मॉलिक्यूल होगा. मोस्ट ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल्स आर साइक्लोडेक्सट्रिन्स. तो जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे होस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, जो केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वो क्या होंगे, साइक्लोडेक्सट्रिन्स के होंगे. द इंटीरियर ऑफ द कैविटी इज रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक. जो इंटीरियर पार्ट होगा कैविटी का वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, और वेयर इज द एंट्रेंस ऑफ द कैविटी इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर्स. जो एंट्रेंस होगा कैविटी का जहाँ से एंट्रैप करेगा मॉलिक्यूल वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा. इन फिगर यू कैन सी मोनो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेज ऑफ साइक्लोडेक्सट्रिन. साइक्लोडेक्सट्रिन क्या बना रहा है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, एंड जिसका क्या है, हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट हाइड्रोफोबिक है, एंड कैविटी फॉर इनकैप्सुलेटिंग हाइड्रोफोबिक ड्रग, जिसमें वो हाइड्रोफोबिक ड्रग को इनकैप्सुलेट करेगा. फॉर एग्जांपल इंट्रैप्ड एस्प्रिन मॉलिक्यूल. ओके, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो जो कि इंट्रैप हुआ है इन केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोडेक्सट्रिन. नेक्स्ट इज मोनो मॉलिक्यूलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस एप्लीकेशंस. एनहांस सॉल्युबिलिटी, इस कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबिलिटी को एनहांस करेगा. फॉर एग्जांपल रेटोनिक एसिड की सॉल्युबिलिटी होगी 0.5 mg/ml, बट अगर रेटोनिक एसिड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया जाए बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन के साथ तो सॉल्युबिलिटी होगा 160 mg/ml. एंड सेकेंड पॉइंट इज एनहांस डिजोल्यूशन. ये डिजोल्यूशन को भी एनहांस करेगा. फॉर एग्जाम्पल फेमोटिडीन एंड टॉलब्यूटामाइट का अगर हम कॉम्प्लेक्स देंगे बीटा कार्बोडेक्सट्रिन के साथ तो उसके डिजोल्यूशन रेट को इंक्रीज करेगा. थर्ड इज एनहांस स्टेबिलिटी. इन केस ऑफ एस्प्रिन, एफेड्रिन एंड टेस्टोस्टेरोन का अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन के साथ तो क्या होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फॉर कॉम्प्लेक्सेशन. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्सेशन तो उसके एस्टिमेशन के कौन कौन से मेथड है कि कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो मेथड हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. व्हेन द कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस इज डन वी हैव टू नो वेदर द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड और नॉट, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है. फॉर दिस फॉलोइंग मेथड्स आर यूज. तो हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन. फर्स्ट वन इज जॉब्स मेथड ऑफ कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन. सेकेंड इज पीएच टाइट्रेशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड सॉल्युबिलिटी मेथड. फर्स्ट इज जॉब्स मेथड ऑफ कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन. एज पर द जॉब, ठीक है, द स्पीशीज पोजेसेस सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जॉब के अकॉर्डिंग, जॉब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी एक स्पीशीज होती है, एक कंपाउंड होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है डिफरेंट, दैट आर जो कि फिजिको केमिकल करेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक्सटेंशन कॉफिशियंट. ठीक है,
तो प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का? व्हेन देयर इज नो कॉम्प्लेक्सेशन बिटवीन द स्पीशीज, जब दोनों स्पीशीज के बीच में कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होगा, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज एडिटिव। जो दोनों की प्रॉपर्टी की वैल्यूज होगी वो एडिटिव होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑन कॉम्प्लेक्सेशन दीज प्रॉपर्टीज चेंजेस, कॉम्प्लेक्सेशन होने पर दोनों जो स्पीशीज होगी, फॉर एग्जाम्पल ए कॉम्पोनेंट और बी कॉम्पोनेंट होगा, उन दोनों के बीच में जब कॉम्प्लेक्सेशन होगी तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो जो एडिटिव रूल होगा, मीन्स कि जो ए और बी प्रॉपर्टी की जो एडिटिव, जो एडिशन आता वो सेम आता, वो चेंज आएगा, ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, जब कॉम्प्लेक्सेशन होगा एंड प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, सो उनका क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं आएगी। द चेंज इन द करेक्टरिस्टिक्स प्रूव्स दैट द कॉम्प्लेक्सेशन हैज़ बीन टेकन, ठीक है। तो चेंज, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपाउंड की, फॉर एग्जाम्पल डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक कॉफिशियंट, डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉम्पोनेंट ए है और बी है, हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो अगर कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैल्यू जो आ रही है दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्सेशन नहीं हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी उनकी, सेम रहेगी, तो वैल्यूज़ क्या आएगी, सेम आएगी। बट अगर कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है तो फिजिकल वैल्यूज़ जो होगी दोनों की वो डिफरेंट होगी, ठीक है। प्रोसीजर से देख लेते हैं, लेट्स टेक टू स्पीशीज ए एंड बी हुज इंडिविजुअल डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन सॉलिड फॉर्म, जिसका दोनों का डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा और एब्जॉर्बेंस होगा इन सॉल्यूशन फॉर्म, वर मेजर्ड, ओके। देन टू स्पीशीज इन बोथ फॉर्म वर मिक्स्ड, ठीक है। पहले हम सेपरेटली दोनों का इंडिविजुअल डाई कॉन्स्टेंट देखेंगे, जब दोनों स्पीशीज़ को मिक्स कर दिया जाएगा, द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड एब्जॉर्बेंस वर डिटरमाइंड, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग दोनों का एब्जॉर्बेंस और डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चेक किया जाएगा, द इंडिविजुअल वैल्यू आर सब्ट्रैक्टेड विद द मिक्सड एडिटिव वैल्यू, जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी कॉम्पोनेंट की उसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा एडिटिव वैल्यू से और रिजल्ट देखा जाएगा। अगर हमारा रिजल्ट ज़ीरो आता है, दैट मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्सेशन फाउंड नहीं हो रही है, और अगर हमारा रिजल्ट ज़ीरो नहीं आता है, दैट मीन्स देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्सेशन। अगर हम ग्राफ में देख सकते हैं, ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर हम ए कॉम्पोनेंट और बी कॉम्पोनेंट लेते हैं तो कर्व फॉर नो कॉम्प्लेक्सेशन, डाई कॉन्स्टेंट का अगर हम देखें इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट के केस में, तो ये कर्व जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन दिस कर्व इंडिकेट्स द कॉम्प्लेक्स ऑफ ए एंड बी कॉम्पोनेंट, ओके। सो ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज मे बी मैक्सिमम और मिनिमम, ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज जो उसकी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट नोट कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज, एंड आफ्टर कंसंट्रेशन डिटरमाइन के बाद हम उसका स्टोकियोमेट्रिक रेशियो देखेंगे स्पीशीज का, और चेक करेंगे अगर चेंज हो रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी में तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है और नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएच टाइट्रेशन मेथड, सेकंड मेथड ऑफ एनालिसिस कौन सा होगा, पीएच टाइट्रेशन मेथड। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स दैट प्रोड्यूस द चेंजेस इन पीएच ऑन इंट्रैक्शन, ओके। मेन प्रिंसिपल है कि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो उसके पीएच में इंट्रैक्शन के बाद पीएच में चेंज आ रहा है, द सिग्निफिकेंट चेंज इन पी एच विल डिटरमाइन दैट कॉम्प्लेक्सेशन हैज़ बीन टेकन प्लेस, ओके। तो प्रोसीजर क्या होगा, फर्स्टली वी चेक पी एच बिफोर कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्सेशन से पहले हम पी एच चेक करेंगे, एंड देन आफ्टर कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ पी एच चेंजेस, अगर पी एच की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, एंड इफ नॉट चेंज मीन्स कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म्ड। एग्जाम्पल इज कीलेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन बाय ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। प्रोसीजर से देख लेते हैं,
लेट्स टेक 75 ml ऑफ ग्लाइसिन. अगर हम 75 ml ग्लाइसिन सॉल्यूशन लेंगे एंड उसको टाइट्रेट करेंगे विथ स्ट्रॉन्ग एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, फर्स्टली हम उसका pH रिकॉर्ड करेंगे, ओके. देन हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे बिटवीन pH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड. सो अभी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो, उसमें हमने अपना कॉम्प्लेक्स नहीं ऐड किया था. सेकंड पॉइंट, इन अनदर टेस्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन एंड कॉपर सॉल्ट, सेकंड जो सॉल्यूशन हम टाइट्रेट करेंगे उसमें हमने ग्लाइसिन के साथ कॉपर सॉल्ट ऐड किया एंड उसको टाइट्रेट किया. द चेंज इन पीएच विद इंक्रीमेंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन आल्सो रिकॉर्डेड, ओके. तो जो pH में चेंज आएगा जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, सो सेकंड हम pH नोट डाउन करेंगे. अ ग्राफ वाज ड्रॉन बिटवीन pH एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड. द टू प्लॉट्स आर कंपेयर्ड. फर्स्ट प्लॉट और सेकंड प्लॉट को हम कंपेयर करेंगे एंड इट इज सीन दैट प्लॉट ऑफ ग्लाइसिन विद कॉपर इज बिलो दैट द प्योर ग्लाइसिन. तो क्या होगा, जो प्योर ग्लाइसिन का हमने ग्राफ प्लॉट किया था उससे बिलो हमारा पीएच क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन विथ कॉपर, ठीक है. तो वो इंडिकेट करता है कि कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है हमारी थ्रू द टाइट्रेशन रेंज. यू कैन सी इन द ग्राफ, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब हम ग्लाइसिन सॉल्यूशन को 75 ml ग्लाइसिन सॉल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे NaOH के साथ, तो हम pH ये रिकॉर्ड करते हैं कि pH आपका 6-10 के बीच में आ रहा है. बट जब हम ग्लाइसिन सॉल्यूशन का कॉपर कॉम्प्लेक्स के साथ टाइट्रेट करेंगे विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा pH रिकॉर्ड होगा, कॉम्प्लेक्सेशन रिलीज प्रोटोन आयन, तो इस टाइम पर प्रोटोन आयन वो रिलीज करेगा, ठीक है. रिएक्शन में वो प्रोटोन आयन रिलीज करेगा, जिस कारण से जो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा, जब हम ग्लाइसिन और कॉपर का कॉम्प्लेक्स को टाइट्रेट करेंगे तो हमारा pH डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन रिलीजेस प्रोटोन. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ ग्लाइसिन एंड कॉपर आयन्स का, ठीक है. दीज टू प्लॉट्स आर कंपेयर्ड एंड इट इज सीन दैट प्लॉट ऑफ ग्लाइसिन विथ कॉपर इज बिलो दैट द प्योर ग्लाइसिन, विच इंडिकेट्स द कॉम्प्लेक्सेशन. जो कि पीएच में चेंज हुआ तो इंडिकेट करेगा कॉम्प्लेक्सेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द टाइट्रेशन रेंज, ओके. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट, ओके. एक सॉल्यूट को दो इमिसिबल सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना कैन यूज टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट. तो इस फॉर्म में हम क्या निकालेंगे, के, जो कि हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट फॉर सर्टन कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्सेस को निकालने के लिए यूज करेंगे, जिसमें एक सॉल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो इमिसिबल सॉल्वेंट के बीच में. द डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर होगा बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स इज एक्सप्रेस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोफिशियंट, ओके. सो प्रिंसिपल क्या होगा, व्हेन अ सॉल्यूट कॉम्प्लेक्सेस विद एन एडेड सब्सटेंस द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ओके. फॉर एग्जाम्पल, दो एक्सपेरिमेंट से हम स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को एस्टिमेट करेंगे. फर्स्ट इज जो हमने लैब में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया है, आयोडीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर का जब हम मिक्सचर लेंगे, उसको शेक करेंगे तो दो लेयर फॉर्म करेगा इन सेपरेटिंग फनल, ओके. सेपरेटिंग फनल में दो लेयर फॉर्म करेगी, एक्वस लेयर एंड ऑर्गेनिक लेयर. एक्वस लेयर को हम टाइट्रेट करेंगे 0.01 नॉर्मल विथ स्टार्च इंडिकेटर के साथ हम टाइट्रेट करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट के साथ. एंड ऑर्गेनिक लेयर को हम टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ. उससे हमें पता लगेगा कि जो हमारी आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन है एक्वस फेस में कितनी है एंड ऑर्गेनिक फेस में कितनी है. इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट
अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं आयोडीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटाशियम आयोडाइड का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है, उन तीनों को शेक करने के बाद उसको टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के साथ यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर, तो हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू क्या मिलेगी कि कितना अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन कितना प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन में, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री पोटाशियम आयोडाइड कितना प्रेजेंट है। तो बाय डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वी कैन एनालाइज कॉम्प्लेक्सेशन की कॉम्प्लेक्सेशन कितना हो रही है। के हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, जितना ज़्यादा हमारी के की वैल्यू होगी मींस उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, मींस की फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा जितनी हमारी के की वैल्यू होगी, और जितना ही हमारी के की वैल्यू कम होगी मींस की हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज सॉल्युबिलिटी मेथड। इन सॉल्युबिलिटी मेथड द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेस होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्पोनेंट्स की, सॉल्युबिलिटी कितनी है कॉम्पोनेंट की इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कि जब हम उसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं उस टाइम पर सॉल्युबिलिटी कितनी होगी कॉम्पोनेंट की इन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। प्रिंसिपल, व्हेन द कॉम्पोनेंट इज मिक्स्ड इन अ मिक्सचर प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्पोनेंट को हम ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स में, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द वन ऑफ द कॉम्पोनेंट मे बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो जो हमारे कॉम्पोनेंट की या तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो द चेंज इन सॉल्युबिलिटी, जो चेंज होगा सॉल्युबिलिटी में इज़ अ साइन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। तो अगर हमारी सॉल्युबिलिटी में चेंज हो रहा है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एक्सपेरिमेंटल डाटा से देखते हैं, कैन बी यूज टू एनालाइज कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ डोनर एक्सेप्टर रेशियो और इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, पाबा एंड कैफीन, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड कैफीन, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज पैरासिटामोल एंड कैफीन। सो अगर हम एक्सपेरिमेंट से देखें तो फर्स्ट, अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल कैफीन हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, टेकन इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, हम उसको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में ले रहे हैं, एंड ऐड पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड ड्रग एंड एजिटेट फिल्टर एंड एनालाइज ड्रग कंटेंट, तो हमारा जो के है स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट है हम डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कैफीन एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ पाबा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। सो फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड इन वाटर, सेकेंड पॉइंट सैचुरेशन इंडिकेट करेगा, एंड आफ्टर सैचुरेशन जो एक्सेस सॉलिड होगा हमारे ड्रग का एसिड का वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एंड हायर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। सो के हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है कि कितना हमारा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और कैफीन का जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है वो कितने अमाउंट में क्या है बाउंड हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। पाबा होगा कि कितना अमाउंट ऑफ हमारा जो ड्रग है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, और कैफीन हमारा कितना फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कैन बी नोन डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ। ओके, ग्राफ से हम डायरेक्टली नोन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एंड इट इज़ इक्वल टू द मोल्स ऑफ ड्रग इन कॉम्प्लेक्स एंड मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इन कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ पाबा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड बाय कैफीन, जब पाबा और कैफीन आपस में हम ऐड करेंगे तो उन दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस, ठीक है, अगर हमारी के की वैल्यू ज़्यादा होती है दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सेशन हमारा उतना ही ज़्यादा हो रहा है, अगर हमारा वैल्यू ऑफ के जो के की वैल्यू डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो these all are the methods for method of analysis of complexation. So today we will discuss inclusion compounds and method of analysis, okay, in which
We have studied Jobs method of continuous variation, pH titration method, distribution method and solubility methods. So that's all for today. Thank you.